एक व्यक्ति के तौर पर खुद को कैसे निहारें। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर तरह के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी होती है और वो आसानी से हर समूह का केंद्र बन जाते हैं। आप सोचते होंगे कि इन लोगों में ऐसा क्या है जो हर चीज़ की जानकारी रख लेते हैं। ऐसे लोगों को मॉडर्न कहा जाता है। मॉडर्न व्यक्ति का अर्थ हो वो लोग नहीं होते जो नए और ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, बल्कि ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आसपास चल रही चीज़ों को लेकर जागरूक होते हैं। हमारी ये तकनीक आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप भी एक मॉडर्न व्यक्ति बन सकते हैं। महीने में एक बार आप अपने आप पर गौर कीजिए और कुछ ऐसा कीजिए जो आपने कभी सोचा भी ना हो। उदाहरण के लिए, जैसे किसी नए खेल में हिस्सा लीजिए, किसी नए चीज़ पर लोगों को भाषण दीजिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मिलने वाला अनुभव आपको एक मॉडर्न व्यक्ति बनाएगा। मॉडर्न व्यक्ति की दूसरी खास बात यह होती है कि उसे कई चीज़ों की जानकारी होती है। हमें लगता है कि ये जानकारी किताबें पढ़कर मिली है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि जानकारी उन्होंने अपने अनुभवों से हासिल की होती है। इन जानकारियों में सबसे महत्वपूर्ण है अलग अलग प्रकार के व्यवसाय और नौकरियों के बारे में पता होना। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति आपको अपनी नई नौकरी के बारे में बताए तो आपको उस बारे में जानकारी हो। इससे ऐसा होगा कि उस व्यक्ति को ये लगेगा कि आप उस क्षेत्र का अनुभव रखते हैं। इससे आपकी उस व्यक्ति से नज़दीकियाँ भी बढ़ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम उनकी नौकरी के बारे में ज़्यादा क्या बात कर सकते हैं। तो यहाँ काम आएगी हमारी 40वीं तकनीक, जो ये कहती है कि आपको हर मुख्य व्यवसाय में चल रहे मुद्दों की जानकारी रखनी चाहिए। जब उस व्यवसाय से जुड़ा व्यक्ति मिले तो उस मुद्दे पर आपको उनसे बात करनी चाहिए। इसीलिए उनको एहसास होगा कि आप उनके काम के बारे में जानकारी रखते हैं और तब आप उनके सामने एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर उभर कर आएंगे। एक मॉडर्न व्यक्ति की तरह नज़र आने के लिए जो अगली सलाह हम देने जा रहे हैं वो ये है कि आपको सामने वाले की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आप उस व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। हमारी अगली तकनीक यही सिखाती है कि आप जिस भी व्यक्ति से मिल रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो किस विशेष खेल में रुचि रखते हैं या उनकी किस विशेष विचारधारा में रुचि है। अब आप जब भी उनसे बात करें तो इन चीज़ों को मुद्दा बनाएं। इससे वो व्यक्ति आपस में बात करने में बेहद दिलचस्पी लेगा। इसके बाद जो सलाह आती है वो मॉडर्न व्यक्ति बनने के लिए हमारी आखिरी सलाह है। हम में से अधिकतर लोग विदेश घूमने की इच्छा रखते हैं। वहीं हम में से कई लोग वैसे भी हैं जो विदेश जाने की बात से ही घबरा जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि उन देशों में जाकर हम कैसे वहाँ के लोगों से बात कर पाएंगे। हमारी अगली तकनीक आपको यही सिखाएगी कि कैसे विदेश जाकर वहाँ के लोगों से ऐसी बातचीत कर सकते हैं जिससे कि लोग आपसे प्रभावित हो जाएं। आप जब भी विदेश जाएं, बस सबसे पहली बात ये पता करें कि उस देश के लोग किस चीज़ को अच्छा मानते हैं और किसे बुरा। हर देश के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं और आप उन रिवाजों के बारे में जानें और देखें कि कौन सी बातें वहाँ के लोगों को अच्छी लग सकती हैं। वहाँ के लोग एक दूसरे को शुक्रिया कैसे कहते हैं और गिफ्ट में क्या देते हैं। अगर आप इन चीज़ों के बारे में जान लेंगे तो उसके लोग भी ये जानकर हैरान होंगे कि कैसे एक दूसरे देश से आया व्यक्ति उनकी संस्कृति के बारे में इतना कुछ जानता है। तो इसी के साथ समरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।